हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू कैसे हैं आप टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू पंक्चुएशन इन कैपिटल लेटर्स तो पंक्चुएशन और कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं चलिए सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन को सी हियर द पंक्ुएशन पंक्चुएशन डेफिनेशन इज गिवन हियर पंक्चुएशन इज अ सेट ऑफ सिंबल्स यूज इन राइटिंग टू हेल्प इंडिकेट समथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस और टू असिस्ट रीडर्स इन नोइंग व्हेन टू चेंज द राइम्स और द स्ट्रेस फॉर दियर स्पीकिंग मतलब क्या हुआ पंक्चुएशन वह चीज शो करता है सिंबल्स को शो करता है जो हम लिखते टाइम किसी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं सेंटेंस में मतलब कि जब हम जैसे थोड़ा रुकते हैं तो कोमा यूज़ होता है अपना सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो फुल स्टॉप यूज़ होता है और टू तो असिस्ट रीडर्स इन नोइंग व्हेन टू तो चेंज राइम्स और द स्ट्रेस फॉर देयर स्पीकिंग मतलब पढ़ते टाइम कब जो है उसकी जो राइमिंग है जो चेंज हो रही है उसको पढ़ते टाइम जो है उसी राइमिंग को फॉलो किया जाए तो इसीलिए लिए पंक्चुएशन सिम्बल्स वगैरह यूज़ होते हैं मार्क ठीक है कॉमन यूनिट्स ऑफ पंक्चुएशन इन इंग्लिश एंड मैनी अदर लैंग्वेजेज़ इंक्लूड द कॉमा फुल स्टॉप पीरियड apostrophe quotation mark question mark exclamation mark bracket colon semicolon तो जब हम पंक्चुएशन अपने इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो बहुत सारी लैंग्वेज में जैसे आप क्या यूज़ करते हैं कोमा यूज़ करते हैं फुल स्टॉप यूज़ करते हैं पीरियड यूज़ करते हैं अपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं एक्सक्लेन मार्क यूज़ करते हैं ब्रैकेट यूज़ करते हैं कॉलन यूज़ करते हैं और सेमी कॉलन यूज़ करते हैं ईच यूनिट इंडिकेट्स डिफरेंट थिंग एंड सम मे हैव मल्टीपल मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्सट तो ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं जो हम यूज़ करते हैं इनके अलग अलग चीज़ों को अप्लाई करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं जिनका अलग मीनिंग होता है टेक्स्ट में ठीक है चलिए नाउ कम टू द फर्स्ट ऑफ ऑल हियर गिवन एंड पंक्चुएशन फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क तो इनके बारे में समझते हैं आइए सबसे पहले आपका है फुल स्टॉप फुल स्टॉप देयर आर ओनली थ्री वेज टू एंड अ सेंटेंस मतलब कि तीन तरीके होते हैं जब हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो फुल स्टॉप या तो क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क ठीक है जैसे फुल स्टॉप हम जब लगाते हैं वैन वी टैन वी टेक अ लॉन्ग पोज जब हम जो है लॉन्ग पोज लेते हैं तब तो हम फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम लगाते हैं हिंदी में ठीक है क्वेश्चन मार्क वैन वी आस का क्वेश्चन जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम अपना क्वेश्चन का ये जो सिम्बल आपको दिख रहा है लास्ट एट द एंड वी हैव टू अप्लाई ये अप्लाई करते हैं और एक्सक्लेमेशन वैन एक्सक्लेमेशन मार्क वैन सडन सोरो फीलिंग एक्सप्रेशन शो करते हैं अपने सेंटेंस में तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क जो है यूज करते हैं, जिसका सिंबल आपको ये नजर आ रहा होगा चलिए बात आती है अब कैपिटल लेटर की। कैपिटल लेटर लेटर की। कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम अपने सेंटेंस में कैपिटल लेटर सबसे पहले हम यूज करेंगे फर्स्ट लेटर अपने सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होता है जैसे कि द यहाँ पे है अगर मैं सेंटेंस बोलू द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड तो टी आपका कैपिटल होगा ठीक है और अगर हम डे और मंथ की बात करते हैं जैसे इट इज़ वेरी कोल्ड इन इंडिया इन द मंथ ऑफ जनवरी जनवरी फेबररी मार्च दिसंबर तो सभी स्टार्टिंग का वर्ड अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल होगा ठीक है अगर हम किसी नेम ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं जैसे मलयालम तेलुगू ठीक है मदर टंग की बात करते हैं तो वो भी आपका कैपिटल में होगा स्टार्टिंग वर्ड स्टार्टिंग अल्फाबेट अगर हम किसी प्रॉपर नेम यानी पर्टिकुलर नेम की बात कर रहे हैं जैसे विद्या और जैसे विद्या और विजय तो हम जो है कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं अगर हम हॉलीडे की बात करें जैसे होली दिवाली तो भी हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे ठीक है फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड डायरेक्शन कोटेशन डायरेक्ट कोटेशन जैसे मैंने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको समझाया था उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो आपकी इन्वर्टिड कॉमास में होती है और वो स्टार्टिंग का वर्ड उसका कैपिटल होता है क्लियर अगर हम किसी ब्रांड नेम किसी कंपनी की बात कर रहे हैं जैसे नोकिया है तो एन कैपिटल में होगा आपका प्रोनाउन अगर अकेला है तो कभी भी जो है स्मॉल में नहीं होता वो ऑलवेज़ इन कैप्स हमेशा कैप्स में होता है ठीक है तो चलिए इसके बाद आता है कॉमास कॉमास को समझते हैं हम कॉमास कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं ठीक है बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लोज अगर टू इंडिपेंडेंट क्लोज है उसको सेपरेट करने के लिए अलग करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं जैसे एंड से पहले हमने यहाँ पे कॉमा यूज़ किया ठीक है ये टू इंडिपेंडेंट क्लोज है मीना डोनेटेड द बुक्स और आई गेव द पेंसिल टू द पुअर बॉय तो ये टू इंडिपेंडेंट क्लोज हैं जो जो जॉइन कर रहे हैं कंजंक्शन से एंड से ठीक है चलिए नेक्स्ट है आफ्टर इंट्रोडक्ट्री वर्ड्स फ्रेज एंड क्लोज इन द सेंटेंस अगर आप किसी चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रेज़ के बारे में और क्लोज को उसको सेपरेट करने के लिए हम कोमा अप्लाई करते हैं जैसे हेमंत के बारे में मैं बात कर रही हूँ प्लीज़ वाइप द ग्लासेज बिफोर पुटिंग दैम बैक इन द कपोर्ड ठीक है और अगर मैंने येस और नो लगाया है तो उसके बाद भी हम कोमा अप्लाई करते हैं उसके बाद आता है द मार्क वर्ड दैट इंटरप्ट एंड एड इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस अगर जो है जिसके बारे में हम बता रहे हैं जैसे दो किसी दो पर्सन के बारे में बता रहे हैं तो भी हम कॉमा अप्लाई करेंगे जैसे मिसिज जॉन्स सेट दैट मिसिस स्कॉट ठीक है फिर कॉमा फिर हुर सिस्टर कॉमा आएगा यहाँ पे वॉज द विनर ऑफ द कंपिटिशन ठीक है अब जैसे यहाँ पे द प्रिंसिपल गेव विनीता कॉमा द स्टूडेंट विद द हाइस्ट मार्क्स फिर कॉमा फिर अ ट्रॉफी एंड अ सर्टिफिकेट क्लियर अगर हम सेम सीरीज़ सीरीज की बात करें एक सीरीज़ को लेकर चलते हैं जैसे प्लेट्स है नैपकिनस है बैलून्स है स्ट्रीमर्स है कैंडल्स है तो भी आप जो है कोमा अप्लाई करेंगे ठीक है नोटबुक पेंसिल्स इरेजर ये सेम सीरीज़ हैं तो आप कोमा अप्लाई करेंगे नाउ कम हियर तो कॉमा क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेन मार्क लगा के आपको जो है, ये फर्स्ट पैरा जो है कम्प्लीट करना है सी ही जैसे कि आपको पता है स्टार्टिंग वर्ड कैपिटल होगा द और अर्थ की बात करें तो ई भी कैपिटल होगा नाउ सीधा आंसर नाव सीधा आंसर देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वर्ड टी कैपिटल होता है यहाँ पे अर्थ ई कैपिटल होगा आपका सोलर का एस सिस्टम का एस कैपिटल यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा आपका बिकॉज हेयर वी हैव कम्पलीटेड आर सन्टेंस एंड देन अगेन बिफोर बिगिन द सन्टेंस वी हैव टू अप्लाई द कैपिटल लेटर टी आपको दिख रहा है जैसे कैपिटल लेटर सेंटर के बाद कोमा लगाया है एस का सन सन का एस कैपिटल फिर फुल स्टॉप फिर सम का एस कैपिटल अगेन सन कैपिटल फुल स्टॉप देन ईच का ई e, कैपिटल ठीक है यहाँ पर ऑर्बिट के बाद फुल स्टॉप होगा वट का डब्ल्यू कैपिटल ऑर्बिट का क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे एन का ए कैपिटल ठीक है और उसके बाद सन का एस कैपिटल यहाँ फुल स्टॉप और हाउ का H कैपिटल ठीक है यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क होगा अर्थ के बाद टी आपका कैपिटल होगा ई e, कैपिटल होगा अर्थ का फुल स्टॉप होगा यहाँ पे सन के बाद और एट का आई कैपिटल अगेन सन का एस कैपिटल फुल स्टॉप और देश का टी कैपिटल अर्थ का ई कैपिटल यहाँ पे ऑन इट के बाद फुल स्टॉप हैव का एच कैपिटल मरकरी की बात कर रहे हैं प्लानिट नेम तो यहाँ पे आपका जो है ये एम कैपिटल और क्वेश्चन मार्क मरकरी का अगेन एम कैपिटल एस सन कैपिटल फुल स्टॉप नोर का एन कैपिटल प्लूटो का पी कैपिटल कैपिटल देन कॉमा देन उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप नाउ कम टू द सेकेंड चलिए अब सेकेंड है द काइट फ्लाइंग सीजन वॉज फुल स्विंग एवरी डे आफ्टर स्कूल चिल्ड्रन वुड रश टू दियर हाउस स्टॉप्स तो हाउस स्टॉप्स जो है इसके बाद जो है क्या है क्या नहीं नाउ लेट सी द आंसर कौन सा कैपिटल में होगा कहाँ पर फुल स्टॉप होगा देखते हैं आंसर नाव सी दिकेंड आंसर जैसे टी कैपिटल है आपको पता है स्टार्टिंग वर्ड कैपिटल होगा स्विंग के बाद फुल स्टॉप है एवरी का ई कैपिटल डे के बाद कोमा है स्कूल के बाद कोमा है ठीक है फिर उसके बाद आपका बेल्स के बाद कॉमा है और काइट्स के बाद फुल स्टॉप ईट का आई कैपिटल ग्लाइड के बाद कोमा ठीक है डाइव के बाद कोमा है और ओपोनेंट के बाद फुल स्टॉप है वन का ओ कैपिटल संडे का एस कैपिटल मॉर्निंग के बाद कॉमा और आई क्योंकि अलोन है तो इसलिए कैपिटल होगा ठीक है उसके बाद मॉर्निंग के बाद फुल स्टॉप और आई कैपिटल आउटसाइड के बाद फुल स्टॉप इट का टी कैपिटल काइट्स के बाद फुल स्टॉप है और माई का एम कैपिटल उसके बाद देखिए कोर्स के बाद कॉमा थ्रेड के बाद कॉमा गेम के बाद फुल स्टॉप देयर का टी कैपिटल एयर के बाद फुल स्टॉप द का टी कैपिटल जेंटल के बाद कॉमा हाइस्ट के बाद कॉमा और स्काइस के बाद फुल स्टॉप नाउ कम टू दिस आंसर सीधा मैं आपको डायरेक्ट थर्ड का और दिखा देती हूँ जिसमें सुजेन वॉज पेंटिंग लिखा हुआ है बाय द टाइम चलिए देखिए आंसर सूजेन का एस कैपिटल होगा ठीक है गेट्स के बाद फुल स्टॉप और शी एस कैपिटल बैक के बाद कॉमा पिलर के बाद फुल स्टॉप शी एस कैपिटल राउंड के बाद फुल स्टॉप एवरीका ई कैपिटल न्यू के बाद कॉमा डिफरेंट के बाद कॉमा सिटी के बाद फुल स्टॉप थिंग्स का टी कैपिटल एगो फुल स्टॉप दियर का टी कैपिटल प्रोग्रेस का फुल स्टॉप द टी कैपिटल और एगो के बाद एग्जाम्पल के बाद फुल स्टॉप द का टी कैपिटल और ई एंड टी ये तीनों आपके कैपिटल में होंगे सो so काइंड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा हर का एच कैपिटल मार्वल्स के बाद जो है एक्सक्लेमेशन मार्क शी एस कैपिटल रिवरेंस फुल स्टॉप वट का डब्ल्यू कैपिटल और वर्ल्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क सो होप यू अंडरस्टूड एक पॉइंट और रह गया है उसके बाद हम करते हैं फिनिश चलिए पार्ट और देखते हैं अब इसमें बताया गया है ये हम कर चुके हैं थर्ड का आंसर ठीक है इसके बाद यह भाई बी का यूज अपोस्ट्रॉफी अपोस्ट्रॉफी यूज करना है आपको करेक्ट फ्रेज सेंटेंस जो दिया गया है नीचे तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या आंसर्स आपके आएंगे नाउ सी द आंसर्स ऑफ ऑल दीज तो क्या होगा यहाँ पे आंसर देखिए द स्कूल्स प्रिंसिपल्स अपोस्ट्रॉफी ऐसा आएगा ठीक है वॉजेंट वॉचिंग पैट्स में अपोस्ट्रॉफी और जिम्स में भी अपोस्ट्रॉफी वी हैव अपोस्ट्राफी और क्वेंस अपोस्ट्रॉफी यार अपोस्ट्रॉफी नेबर्स अपोस्ट्रॉफी यू विल अपोस्ट्रॉफी होम के बाद कौन आएगा ठीक है और विंस्टॉन्स ऐसे ही हम सभी आंसर्स करेंगे ठीक है अवदेश लाइक विंस्टन्स और यहाँ पर जेफरसन अपोस्ट्रॉफी लर्नर्स अपोस्ट्राफी बेबीज अपोस्ट्रॉफी ठीक है लर्नर्स तो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में विद आंसर्स ओके सो डोंट फॉरगेट गेट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस बाय बाय टू ऑल और लिटरेचर का भी कोई भी चैप्टर आपको सर्च करना हो तो विद क्वेश्चन आंसर्स बाय रानी शर्मा सर्च करिए चैप्टर नेम के साथ या फिर चैप्टर नेम समरी आपको सुननी हो तो बाय रानी शर्मा सर्च कीजिए डेफिनेटली यू विल गेट सो डोंट फॉरगेट गेट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस बाय बाय टू ऑल